रेगुलर सेंसस का डेटा, ये जो सेंसस होता हर 10 साल पर, तो 2011 सेंसस डेटा का अंग है। जहां तक मेरी समझ है एसीसीसी से इसका कोई रिश्ता नहीं है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज का डेटा तो हमेशा से आता ही रहा, एससी एसटी का, फिर मेल फीमेल का, डिफरेंट जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनका डेटा, ये तो आता ही है, पिछले कई सेंसस से ही आता है। तो आज उन्होंने रिलीज किया तो बहुत देर से किया है, 11 का सेंसस 15 में आकर रिलीज किया, वो धीरे धीरे सेंसस डेटा रिलीज होता रहता है, तो इसमें कोई खास बात और नई बात नहीं, यह एक रूटीन चीज है, यह हमेशा होता रहा है और उसी के हिसाब से। 1,25,000 करोड़ का बोले थे जो रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें कुछ किस तरह से? हाँ, रिसर्च लगभग पूरा हो चुका है और इसको समेट के आप जाइएगा तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गुजरात में हार्दिक पटेल ने पटेल समुदाय का एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था, वहाँ उसने कहा कि हमारे कुछ ही लोग अपने हैं इस देश में जिसमें आपका नाम और वेंकैया नायडू, चंद्रबाबू नायडू जी का नाम लिया गया है। नहीं, मेरी शुभकामना है और वहाँ के पाटीदार लोगों की जो मांग है वो न्यायोचित मांग है, उनको मिलना चाहिए। देश के दूसरे राज्यों में उनके समकक्ष समुदायों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो संभवतः इसी सिलसिले में उन्होंने कहा होगा, और गुजरात में ये मांग जोर पकड़ चुकी है और उसको इग्नोर करना किसी के लिए संभव नहीं, और वहाँ की जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से एक नए युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और जब पूरा इतना बड़ा जन समर्थन है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये तो गुजरात सरकार को सोचना होगा। अब तक सबका वोट लेते रहे और जब उनकी जो मांग है उस पर अब वो क्या निर्णय लेते हैं, मुझको लगता है कि चाहे टालें जितना, लेकिन अंतोगत्वा उसको मानना पड़ेगा।